30 सालों से जो चूरू केंद्र कस्बा परिवार का दबदबा था वो एक बार फिर से कायम है। चूरू में एक बार फिर से राहुल कस्बा ने चूरू का रण है वो जीत लिया। हमारे साथ जीतने के बाद राहुल कस्बा मौजूद है। सर, चुनाव एक बार फिर से आपने फतह कर लिया, जैसे कि पहले दिन से आप कह रहे थे कि चूरू है वो चूरू से ही कांग्रेस का खाता खुलेगा, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमने बिल्कुल सही कहा था। 8 तारीख को जब पहुंचे पर राजगढ़ आया था मैं और कांग्रेस के परिवार में शामिल हुआ, उसके पश्चात जनता ने जो सभी कार्यकर्ताओं ने नेता ने सब साथ दिया है, एक बेहतरीन शुरुआत करी और मुझे पूरी विश्वास था डे वन पे जो भीड़ मैंने मेरे घर के आगे देखी थी, मैं समझ गया था कि परिवर्तन आएगा, शुरुआत चूरू करेगा और राजस्थान में बेहतरीन इंडिया गठबंधन की एक हवा बनेगी। सभी टीम ने मजबूती से काम किया और हम एक अच्छे जीत की तरफ बढ़ रहे हैं और आप आज रिजल्ट भी देख रहे हो, हम 12 से ऊपर सीटों के ऊपर मजबूत पोजीशन पे हैं और राजस्थान में अच्छी जीत निकाल के इंडिया गठबंधन लेके आएगी। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस है या फिर इंडिया गठबंधन है वो प्रयास भी करी सरकार बनाने का, क्या सरकार बना सकती है इंडिया गठबंधन? देखिए, जनता ने मैंडेट दिया अपना, जो मैंडेट दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंगली सरकार भी बनेगी, पर ये बात तय है कि जो मॉडल है, जिस मॉडल पे बीजेपी काम कर रही थी उस मॉडल को पब्लिक ने नकार दिया, यूथ ने नकार दिया है। इस मॉडल पे हम समाज को तोड़कर जो बड़े मुद्दे हैं उन मुद्दों को देख नहीं सकते। आप समाज में जाति पाति धर्म की बातें करते हो तो दूसरी तरफ महंगाई है, बेरोजगारी है, आज करप्शन के चार्जेस अपने इस इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में लगे हैं, ऐसे इश्यूज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। यूथ है, यूथ ने फैसला लिया, बीजेपी बहुत बड़ी मानता हूँ मैं, आप जहाँ 360 से ऊपर की बातें करते थे आज आप दोस्तों भी बहुत जोर 20 क्रॉस करने में भी पब्लिक ने सारा संदेश दिया बीजेपी के। राजस्थान भी चौंकाने नाम रहे हैं, काफी अच्छा गेम है वो राजस्थान के अंदर, कांग्रेस कर रही है, काफी सीटें जीत रही है, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, मैं बताया पब्लिक में हमारी पूरी टीम मजबूती से लगी। आज इंडिया गठबंधन के हमारे प्रत्याशी थे हमारे रामजी सीकर में, वो टीम वहाँ पूरी लगी, कांग्रेस के सब विधायकों ने सबने पूरा जबरदस्त साथ दिया। आज चूरू की बात करूं तो मेरे सभी विधायकों ने मजबूती से अपना चुनाव मांग कर लड़ा, ये एक आदमी चुनाव लड़ ही नहीं सकता, ये चुनाव एमपी का है। मैं तो तीन तीन दिन भी नहीं दे पाया एक तहसील के अंदर, पर बंडेलिया जी बैठे हैं चूरू के अंदर, हमारे बलवान भाई साहब बैठे हुए हैं बादरा में, सब ने अपनी अपनी मेहनत करी, कृष्णा जी ने राजगढ़ संभाला और एक ऐतिहासिक हिस्टोरिक लीड आई है। तो ये टीम वर्क है और नई टीम नए जोश के साथ चल रही है, क्योंकि पब्लिक में जोश है, पब्लिक में चेंज की भावना थी कि इस बार सत्ता परिवर्तन करनी है और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ सत्ता परिवर्तन हो चुका है। वजह क्या रही इतना अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस ने किया, इंडिया की बात करें फिर राजस्थान की बात करें, वो कौन से मुद्दे रहे जो जिसको कांग्रेस टच करने में कामयाब रही, यही वजह रही कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर पाई है? देखिए, आज इंडिया, आज राजस्थान के अंदर जो हमारे यूथ है, जो ग्रेजुएट्स हैं, मैक्सिमम बेरोजगार हैं, बेरोजगारी बहुत बड़ा इशू है, महंगाई बहुत बड़ा इशू है। आज जो आज पब्लिक के अंदर आप बार बार जातियों को, समाज को तोड़ने की बात करते हो, राहुल गांधी जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, मैं नफरत की दुकान बंद करने आया हूँ, मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। लोग मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, लोग आपसी भाईचारे को बनाए रखना चाहते हैं और उस मुद्दों को पब्लिक के इमोशंस को टच किया है। कितनी बार हम ऐसे धार्मिक मुद्दों पे बात करके चुनाव लड़ेंगे, ये देश के निर्माण का चुनाव है, ऐसे चुनाव के अंदर जनता और यूथ स्पेशली मैं मानता हूँ उसने बड़ा मोटिवेट होकर वोट डाला है और उसका आपको इम्पैक्ट नजर आ भी रहा होगा। चूरू में राहुल कस्बा अपना गढ़ बताने में कामयाब रहे हैं, राहुल कस्बा ने चूरू में हैट्रिक लगा दी है। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह।